सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी रेगुलर वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, अर्ड डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनएसईएल स्कैम के बारे में। क्या आखिर में है क्या ये स्कैम, किस तरीके से पर्दाफाश किया है सेबी ने, क्या कहना है सेबी का, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, क्या क्या थे उनके नाम, कौन कौन सी एंटिटीज इन्वॉल्व थी और ओवरऑल साइज क्या था इस स्कैम का, जो भी निवेशक फंसे हुए थे इस स्कैम में उनका आगे चल के क्या होगा, इस सब के बारे में बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात है जुलाई 2013 की। NSEL नेशनल स्पोर्ट एक्सचेंज लिमिटेड, ये एक एक्सचेंज है जिसको सेबी के द्वारा लाइसेंस मिला था स्पोर्ट एक्सचेंज का, लेकिन इन्होंने अलाउ किया ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे, मतलब डेरिवेटिव ट्रेडिंग हो रही थी बिना निवेशकों के नॉलेज की। उनको पता ही नहीं था कि जिस एक्सचेंज के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके पास लाइसेंस ही नहीं है इस चीज का। और हुआ क्या, एट द एंड ऑफ द डे 5600 करोड़ का डिफॉल्ट हुआ 2013 में। ये पर्टिकुलर एक्सचेंज बैंककरप्ट हो गया, 1700 निवेशकों का पैसा फंस चुका था और वहां पे आइडिया ही नहीं था कि अब अगला स्टेप क्या है। बहुत से एक्शंस भी हुए जिसमें कि अरेस्ट किए गए, फॉर एग्जांपल जिग्नेश शाह जो कि इस पर्टिकुलर एक्सचेंज के फाउंडर थे, एफटी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज का नाम खराब हुआ, इनफैक्ट कंपनी बंद हो गई। खैर वो अलग अलग मसले हैं, कंपनी दूसरे नाम से शुरू हो गई थी तो मुंबई पुलिस के पास FIR आई थी, तो ये सब मसले शुरू हुए थे तब। लेकिन इसका कुछ सोल्यूशन नहीं आया था। पता लगा है कि दो प्रॉब्लम्स थी। पहली प्रॉब्लम ये कि NSEL स्पोर्ट एक्सचेंज का लाइसेंस था इसके पास सेबी के द्वारा दिया गया, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग करवा रहे थे, निवेशकों को पता ही नहीं था इस चीज का, लेकिन वो करवा रहे थे अपने एंड पे और लोग डेरिवेटिव में निवेश कर रहे थे। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि कमोडिटी ट्रेडिंग हो रही थी कॉन्ट्रैक्ट पे। अब वहां भी एक प्रॉब्लम है उसके अंदर भी कि जिन कमोडिटीज पे निवेश हो रहा था वो कमोडिटीज एक्सचेंज में एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। मतलब अगर कोई गोल्ड या सिल्वर खरीद रहा है तो गोदामों में वो एक्चुअल गोल्ड सिल्वर पड़ा ही नहीं है, ये सिर्फ ऑन द पेपर ऐसे हवा में ही ट्रेडिंग करवा रहे थे बायर्स और सेलर्स के द्वारा ये पर्टिकुलर एक्सचेंज। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा फ्लॉ सामने आता है। हालांकि इन 4-5 सालों में सेबी ने कुछ ना कुछ तरीके से इन चीजों को खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन तब ये हो रहा था, निवेशकों को आइडिया नहीं था कि वो उन कमोडिटी में निवेश कर रहे हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब सेबी ने 5.5 साल लगाए तो जरूर, और पूरे के पूरे इस प्रॉब्लम को सामने लाया गया कि एक्चुअल में कंसर्न्स कहाँ थे। और यहाँ पे सिर्फ एक्सचेंज ही नहीं शामिल था, अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं, ये हमें समझने की जरूरत है। आप अगर एक क्लाइंट हैं रिटेल लेवल पे या इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, आपको कोई ना कोई ब्रोकर चाहिए जो कि एक्सचेंज में आपके ऑर्डर प्लेस करवाएगा। तो यहाँ पे 300 ब्रोकर जुड़े थे इस पर्टिकुलर एक्सचेंज के साथ। हर ब्रोकर की अभी तफ्तीश चल रही है, लेकिन कुछ नाम, बड़े बड़े नाम सामने आए हैं, कोटक सिक्योरिटीज, आनंद राठी, अटलवाइज ब्रोकिंग, जेएम फाइनेंशियल्स, जीजीत कॉम ट्रेड और फिलिप कमोडिटीज, ये सब नाम सामने आ चुके हैं जिनकी डायरेक्ट लेवल पे इन्वॉल्वमेंट प्रूव की है। हालांकि सेबी के सामने फैक्ट्स आए हैं, अभी आगे चल के कोर्ट में कोई चैलेंज करता है इसको, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर, बट स्टिल ये नाम सामने आ चुके हैं जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लेवल पे कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट था ही। और सेबी के अनुसार ये ब्रोकर्स को पता था कि जो NSEL कर रहा है वो सही नहीं है, इलीगल है, और देवर इन टू दिस थिंग टुगेदर विद दैट एक्सचेंज। तो यही प्रॉब्लम सेबी ने सामने हाईलाइट की है। फॉर एग्जांपल जैसे गोल्ड में किसने पैसे लगाए थे वो था ही नहीं, वो थिन एयर में उड़ गया और वो सिर्फ पैसा जो था ट्रेडर का, निवेशक का, वो चला गया एक्सचेंज के साथ। अब क्या होगा, अब सेबी ने 45 दिन दिए हैं उन सब क्लाइंट्स को जो भी इन क्लाइंट इन ब्रोकर्स के साथ जुड़े हुए हैं, उनको एक तरह से नोटिस दिया है कि भाई आप अपना जो ट्रेड है, अपने जो शेयर्स हैं, अपने जो कमोडिटी जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको आप मूव कर लीजिए, अपने इस ब्रोकर के से किसी और ब्रोकर के साथ आप शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, आप एग्जिट कर सकते हैं अपनी पोजीशन से, आपके पास 1.5 महीना है, और उसके बाद अगर आप नहीं करते तो जो ये पर्टिकुलर ब्रोकर्स हैं जिनके नाम हमने लिए, और भी नाम आएंगे आने वाले दिनों में, तो जो ये ब्रोकर्स हैं आगे चल के ये आपको कमोडिटी में निवेश नहीं करवा पाएंगे और आपके जो पैसे हैं, शेयर्स हैं, कमोडिटीज हैं, फंस के रह जाएंगी। तो आपको 1.5 महीने का समय मिला है जिस तरीके से आप अपना शेयर्स के साथ एग्जिट कर सकते हैं।
सेबी ने इन ब्रोकर्स को नॉट फिट एंड प्रॉपर घोषित किया है। लेकिन एक बात यह भी समझने की जरूरत है कि जो भी हमने नाम लिए, इनकी जो भी कमोडिटीज कंपनीज थी, कमोडिटी लेवल पे जो ट्रेड करवाती थी, इन्होंने या मोर और लेस सभी ब्रोकर्स ने अपने कमोडिटी बिजनेस को उन लाइसेंसेस को एनीवे सस्पेंड कर दिया है 5-5.5 साल में, और वो अपना कमोडिटी का जो निवेश करवाते हैं वो किसी और लाइसेंस से करवाते हैं। तो आई एम नॉट श्योर कि आपको एग्जैक्टली कितना को इम्पैक्ट पड़ने वाला है एज ए ब्रोकर या एज ए क्लाइंट, लेकिन आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि आप चेक करें, आप एक्सचेंज के साथ ट्रेड कर रहे हैं, ब्रोकर के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं, एडवाइजरी की टिप लेके ट्रेड कर रहे हैं, पैसा आपका है। एज अ ट्रेडर, एज अ निवेशक, आपकी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हालांकि उतनी नहीं जितनी की बाकी स्टेक होल्डर्स की, बट एट द एंड ऑफ द डे कैपिटल तो आपका है ना, जेब से पैसा तो आपका जा रहा है, कैपिटल अटकेगा तो वो आपका ही अटकेगा। कल को आप उंगली कर सकते हैं, उनको पॉइंट आउट कर सकते हैं फिंगर की, कह सकते हैं कि इसकी प्रॉब्लम है, इसने ऐसा गलत किया, लेकिन पैसा तो आपका अटका रहेगा टिल द थिंग रिजॉल्व्स इटसेल्फ। तो ये 5600 करोड़ का जो डिफॉल्ट था, अभी की अभी इसके कुछ तार खुलने शुरू हुए हैं, कोई नई डेवलपमेंट होगी तो उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में या आगे वाले वीडियोस में बताएंगे। और अच्छे से समझने के लिए स्टॉक मार्केट के बारे में हमारी ईबुक्स आप चेकआउट कर सकते हैं। एक ट्रस्टफुल ब्रोकर के सजेशन के लिए जिसका बैकग्राउंड चेक करके हम सजेस्ट करते हैं, उस लिंक पे स्लैश फ्री स्टॉक ब्रोकर सजेशन पे क्लिक करें, आप डिटेल्स डालें, आपके लिए कॉल बैक अरेंज करवाएंगे और आप उसके हिसाब से अकाउंट खोल सकते हैं अगर आप चाहें तो। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर तो डेफिनेटली करें ऐसी चीजों को, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी वीडियोस को फ्यूचर में देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन, बाय।